साहब जी यहाँ आए हुए हैं, उन्हें मैं यहाँ पे शादी थी उस इतनी व्यस्तपूर्ण जिंदगी में उन्होंने हमारे श्रीवास्तव गायत्री श्रीवास्तव सभा के लिए अपना अमूल समय निकाला। पहले सबसे पहले उनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। हमारे बीच हमारी राजस्थान श्रीवास्तव सभा की बैठक में श्री चंद्रकांत जी श्रीवास्तव, जो हमारे कांग्रेस के काफ़ी नामी और प्रसिद्ध नेता हैं, पूर्व मेयर हैं बड़ौदा के, आज पधारे हैं, उनका स्वागत है यहाँ पर। और हमारे बीच में हम लोगों को राजस्थान श्रीवास्तव सभा खुद कैसे आगे बढ़ करके लोगों की हेल्प करे, किस तरीके से आगे जयपुर में करे और जयपुर के बाहर भी करे, बच्चों के लिए और कोई बीमार पड़ जाए या कोई उसको किस तरीके से मदद कर सकते हैं, इसमें हमारे चंद्रकांत साहब ने, जो पूर्व मेयर हैं हमारे कांग्रेस के बड़ौदा के, उन्होंने काफ़ी मार्गदर्शन किया यहाँ पे। इस दरमियान हमारे बीच योगेश जी श्रीवास्तव, प्रवीण जी श्रीवास्तव, संदीप जी, अनुज जी, सारे लोग उपस्थित थे, सब ने अपने अपने विचार रखे और लेडीज़ की तरफ से मीना जी श्रीवास्तव, मंजुलिका श्रीवास्तव, इन लोगों ने अपने विचार रखे किस तरीके से हम इसको अपने श्रीवास्तव राजस्थान श्रीवास्तव सभा को किस तरीके से इस तरीके से किया जाए, जिससे कि ये श्रीवास्तव के साथ साथ पूरे कायस्थ एवं आम जन को भी फायदा करे। बात तो ऐसी है कि आपने बहुत सारी बातें रखी, 650 आदमी इकट्ठे हुए, अच्छी बात है, लेकिन कोई भी गाड़ी या तो पेट्रोल बिगड़ या डीजल बिगड़ या कोयला बिगड़ चल नहीं सकती, एनर्जी होनी चाहिए, उसके लिए एनर्जी बहुत जरूरी है और एनर्जी बिना पैसे के ये गाड़ी नहीं चल नहीं सकती। तुम एक बकर चलाओगे, दो बकर चलाओगे, तीन बकर चलाओगे, लास्ट में लोग तुमको हिसाब पूछेंगे और हिसाब पूछने में काय सबसे पहला नंबर होता है वो देगा 10 रुपये, लेकिन 10 सवाल पूछेगा, इसका क्या जवाब, इसका क्या होगा, इसका क्या कर रहे हो, सवालों से घबराने की जरूरत नहीं है। सवाल जब तक तुम ट्रस्ट नहीं बनाओगे और ट्रस्ट में जब तक पैसा नहीं आएगा तब तक गाड़ियां कहीं चलेगी। अगर ट्रस्ट बनाते तो सबसे पहला चेक में पेपर और उसके बाद में तुम्हारे जितने बड़े बड़े पदों के लोग हैं उनके नंबर देना। मैं वहां से फोन करूंगा, लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि जब मैं वहां से बोल सकता हूँ समाज को खड़ा करने के लिए तो आप 4 जन को फोन करो ताकि परिवार में पैसा तब तक परिवार आगे चल रहा। भगवान ने जब सृष्टि की रचना करी तब किसी को नाभि से बनाया, किसी को हाथ से बनाया, किसी को छाती से बनाया, किसी को पैरों से बनाया, लेकिन कायस्थ को पूरी बॉडी पूरे शरीर से बनाया है जो बुद्धि देता है लोगों को। और चित्रगुप्त भगवान खुद भगवान के हिसाब रखने वाले भगवान थे, वो हमारे भगवान हैं, हम दावत और कलम की पूजा करने वाले लोग हैं।
हमारा मानना है कि हम सारे समाजों को साथ में लेकर चलने वाले लोग हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमारा कायस्थ परिवार जुड़े, हर समाज अपने अपने समाज की प्रगति के लिए जिस तरह से मेहनत करता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक कवच बनाता है, एक रक्षा कवच बनाकर युवाओं को बढ़ाने की कोशिश करता है, इसी तरह इस विचार के अधीन हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमारे परिवार के बच्चे का एक कवच बने, उनको पढ़ने लिखने की सुविधा मिले, उनको आगे बढ़ने की कोशिश, आगे बढ़ने के लिए जो प्रयत्न होना चाहिए वो प्रयत्न के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। और हमारा युवान कायस परिवार का युवान जब पढ़ लिख कर बड़ा हुए तो हमारे विचार मन से हम इतना ही कहना चाहते हैं कि वो देश के काम आवे, वो देश की प्रगति करे। हमारा लक्ष्य राष्ट्र की तरफ है, हमारा हमारी दृष्टि हमारे राजस्थान के जो लोग हमारे समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं, हमारी राजस्थान की प्रगति हुए। और कायस्थ परिवार हमेशा सारे समाज को साथ में लेकर चलता है, इसी तरह हमारे युवाओं का जो कवच बनेगा वो सारे समाज को साथ में लेकर चलेगा और राष्ट्र को भी साथ में ऊपर उठाने की कोशिश करेगा। यही हमारा एक लक्ष्य लेकर हम लोग यहाँ पर बैठे हैं।